भागवत के पहले जो भी सारा लिटरेचर लिखा, शास्त्र लिखे, वेद, वेदांत, वेदांत सूत्र और पुराण, पंचरात्र, श्रुति, स्मृति, कई शास्त्रों की रचना की वेद व्यास। तो शास्त्रों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो उनका लक्ष्य था, वो लक्ष्य सही नहीं था। जो जीवों के कल्याण के लिए जो होना चाहिए, नाम और यश, लीला है, तो वो तो अभी तक आपने अनंत अनंतस्य श्री कृष्ण की आपने वर्णन नहीं किया। तो भागवत की रचना करते, टॉप मोस्ट लिटरेचर, हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा साहित्य ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर संसार में भागवत कथा ही होती होगी, और किसी की कथा नहीं होगी, होगी लेकिन बहुत कम मात्रा में। भागवत इसलिए कि भागवत ये स्पॉटलेस पुराण है। भागवत ये धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निरमत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु तापत्रय उन्मूलानाम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परईश्वरै। दूसरी रचनाओं की क्या जरूरत है। भागवत अपने आप में हमारा कल्याण करने में सक्षम है, और भागवत में सब कुछ, सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ है और स्वाभाविक सरल समझौता है। धर्म प्रोजित, प्रोजित भागवत में से जो कैतव धर्म है, धर्म प्रोजित कैतव, कैतव का अर्थ है छल कपट वाला धर्म। छल कपट वाला धर्म क्या है कि आप ये यज्ञ करोगे तो पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो सुंदर पत्नी मिलेगी, ये यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करोगे। प्रलोभन किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए प्रलोभन, ये सब शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन ये प्रोजित कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन, इससे कल्याण नहीं होगा। पुण्य दान करने से कल्याण नहीं होगा, पुण्य करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहां सुख, लंबे काल तक शारीरिक सुख भोगने के बाद पुण्य क्षय होते हुए वापस आना पड़ेगा। वेदों में ज्यादातर कर्मकांड, कर्मकांड सबसे बड़ा कांड, एक वेद हो तो 80% कर्मकांड है और उसमें 10% ज्ञान कांड है और 5% उनमें उपासना भक्ति कांड है, उपासना बहुत कम। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है, भागवत सारा, सारम सारम समुद्रुतम, सर्व शास्त्र का उनमें सार है।